अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। आज मैं आलू बुखारे की चटनी बना रही थी, क्योंकि इतने दिन से रेसिपीज नहीं हो रही, तो मैंने कहा चलें ये भी बात लोगों को बहुत पसंद होती है, तो इसकी भी मैं रेसिपी आपसे शेयर कर दूँ। इसके लिए जो है ना, मैंने 3 से 4 घंटे के लिए ना आधा किलो मेरे पास आलू बुखारे थे, अच्छे वाले थे, ये देखिए बहुत बेहतरीन वाले। तो इनको मैंने ना तकरीबन 1 किलो पानी में भिगो के रख दिया था। ये भीग गए, फूल गए, अच्छे से मोटे हो गए, सॉफ्ट हो गए। फिर उसके बाद मैंने उसी पानी में जो है ना इसको, या उससे डबल पानी कर लें जब आपने इसको रखना हो, बनाना हो, और उतना पानी डालें, और देशकी में डाल दिया। उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली, आधा चम्मच ही पिंक सॉल्ट डाला, आधी चम्मच काली मिर्च डाली, और तकरीबन जो है अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1 कप चीनी पड़ेगी, अगर कम खाते हैं तो आधा कप चीनी पड़ेगी, जिसमें गुड़ भी आप डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। तो अब ये देखें गाढ़ा होने की तरफ है, और इसमें 10 से 12 आप जो है ना छोटी सब्ज़ इलायचियाँ वो भी छील के साथ डाल दें बस, तकरीबन और थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। साथ मैंने ये बादाम जो है भिगो के इनको छील लिया है, और चारे मगज़ हैं ये हसब ज़रूरत जितना आप लाइक करते हैं। इसके अलावा भी इसमें पिस्ता भी जाना है, वो भी कट रहा है, तो जितने भी नट्स आप डाल सकते हैं इसमें डाल लें, जो जो आपको पसंद है इसमें, तो एंड पे वो डालेंगे। तो ये जैसे ही गाढ़ा होगा तो इसमें नट्स डाल के थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, और बस इसको ठंडा करके किसी जार में डाल दूंगी।